मैं हूँ रवि रोनित और स्वागत करता हूँ आप तमाम व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो क्लास 10 साइंस से रिलेटेड है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं 10th क्लास का जो साइंस का बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं, और वो चैप्टर है किस चीज़ का, तो लाइट का। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सुना आपने, आज हम लोग लाइट यानी प्रकाश का स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये क्लास जो है, ये वीडियो जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से समझेंगे पॉइंट्स को, बिकॉज मैं डिफिनेशन बोर्ड पर लिखने वाला नहीं हूँ, बल्कि डायरेक्टली आपके माइंड तक पहुंचाने वाला हूं, आपके मेमोरी तक पहुंचाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस वीडियो में हम लोग किन किन टॉपिक्स का स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक्स का स्टडी करने वाले हैं उसका डिटेल्स यहां पर दिया हुआ है। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश यानी लाइट, सेकेंड जो पॉइंट होगा आज का टॉपिक होगा वो किरण यानी कि रे, थर्ड टॉपिक होगा प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट, फोर्थ होगा समानांतर प्रकाश पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट, फिफ्थ टॉपिक आज का होगा अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और जो आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा अपसारी प्रकाश पुंज यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लाइट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर ये लाइट है क्या। प्रकाश से जो प्रकाश है वह बाह्य भौतिक कारण है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी दोष मुक्त आंखों पर पड़ के हमें देखने का अनुभूति प्रदान करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जो किसी दोष मुक्त आंखों पर पड़कर हमें देखने का अनुभूति प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, क्या हम किसी चीज को डायरेक्टली देख पाते हैं? अगर प्रकाश हो तो क्या हम किसी चीज को डायरेक्टली देख पाएंगे? तो फ्रेंड्स, देखने का भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी वस्तु को, सपोज मान लेते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं, एक किसी कमरे में खड़े हैं और इस कमरे में भी प्रकाश है और एक और बगल का एक एडवाइंटिंग कमरा है उसमें भी प्रकाश है, लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। तो क्या हम लोग इस कमरे से डायरेक्टली उस कमरे के वस्तुओं को देख लेते हैं? बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, क्योंकि बीच में दीवार जो आता है। तो फ्रेंड्स, आखिर कॉन्सेप्ट क्या है लाइट का? हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं? आखिर इसका कारण क्या है, प्रोसेस क्या है देखने का? इन सारी चीज़ों का आज हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालने वाले हैं, चीज़ों को डिटेल्ड में समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर ये देखने का प्रोसेस है क्या, कैसे हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज ये कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई मानव है, और यह मानव जो है किसी ट्री को देखना है। यह ट्री है और यह क्या है? ह्यूमन है, मानव है। तो फ्रेंड्स, यह मानव जो है इस ट्री को कैसे देख पाएगा? फ्रेंड्स, क्या लाइट अगर हो तो ये मानो डायरेक्टली पेड़ को देख लेगा, ट्री को देख लेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, इसका प्रोसेस कुछ और कहता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये डार्क हो तो ये तो ट्री ह्यूमन को दिखाई देगा नहीं। अगर अंधेरा हो, सोर्स ऑफ लाइट ना हो, प्रकाश का कोई भी स्रोत ना हो, तो क्या ये मानव इस पेड़ को देख सकता है? बिल्कुल नहीं देख सकता है। लेकिन कब और किस कंडीशन में ये मानव इस पेड़ को देख लेगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए होगा क्या कि एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये सन ले लेते हैं, सूरज से निकलने वाली किरणें तो सभी दिशाओं में फैलती हैं इक्वल। तो फ्रेंड्स, अब होगा क्या, देखने का प्रोसेस क्या, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या होगा कि सनलाइट जो है डायरेक्टली यहाँ पर आया कहाँ, तो इस ट्री पर, इस पेड़ के ऊपर पड़ा सूर्य का प्रकाश यहाँ से। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पर पड़ने के बाद ये क्या होता है कि सनलाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है ये सनलाइट हमारी आंखों तक पहुँचता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सनलाइट हमारी आंखों तक पहुँचता है, यानी कि यहाँ से सनलाइट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होता है,
परावर्तित होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये हमारी आंखों तक पहुंचता है और तभी हम इस ट्री को देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइट का कॉन्सेप्ट इस तरह से कार्य करता है। किसी ऑब्जेक्ट को देखना हो, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो फ्रेंड्स इस ऑब्जेक्ट को हम तब तक नहीं देख पाएंगे जब किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें जब तक यहाँ से रिफ्लेक्ट ना हो तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, और जब ये हमारी आंखों तक पहुँचे तभी हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लाइट का कॉन्सेप्ट देखने का जो प्रोसेस है वो फिनिश होता है कि जब तक किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश पुंज जब तक उस ऑब्जेक्ट से टकराकर यानी कि वहां से रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है तब तक हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, बात वही हो गई कि जैसे अगर हम एक कमरे में खड़ा है, वहां पर लाइट है, दूसरे कमरा में भी लाइट है, ढेर सारी चीजें रखी हुई है, तो हम तब तक उन चीजों को नहीं देख पाएंगे जब तक उन सारी चीजों से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोसेस को समझे होंगे, देखने की प्रक्रिया को आप समझे होंगे। सेकंड पॉइंट है, वो है क्या, किरण यानी कि रे। तो फ्रेंड्स, रे क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो रे है, रे यानी किरण, वो क्या है आप समझिए। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। फ्रेंड्स, किरण क्या है? तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो थर्ड, आज के इस वीडियो का जो थर्ड टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है क्या, प्रकाश पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, वहां पर चलते हैं, थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। थर्ड टॉपिक आपका है प्रकाश पुंज। क्या है? प्रकाश पुंज। तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, आखिर ये प्रकाश पुंज है क्या? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किरणों के समूह को फ्रेंड्स, आपने देखा किरण प्रकाश के गमन पथ की दिशा। तो फ्रेंड्स, जब इन किरणों का समूह होगा, जब ढेर सारी किरणें एक साथ आगे बढ़ेंगी, एक साथ आगे की ओर चलेंगी, तो फ्रेंड्स उसको हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट यानी कि इसको हम लोग कहेंगे क्या, प्रकाश पुंज, यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। आई थिंक आप डिफिनेशन अच्छी तरह से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ नंबर का पॉइंट इस वीडियो के लिए, वो है समानांतर प्रकाश पुंज यानी कि इसको कहेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है? तो फ्रेंड्स, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के समानांतर आगे की ओर बढ़ती है, चलती है, तो फ्रेंड्स वैसे प्रकाश पुंज को समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है इस वीडियो के लिए, डेडिकेटेड पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट जो है वो है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है क्या, मैं आपको ये बता दूं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, मान लेते फ्रेंड्स एक ये बिंदु है और जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, मान लीजिए कि यहाँ से भी एक किरण चली यहाँ तक इस बिंदु पर आई, दूसरी किरण यहाँ से चली ये भी आकर के मिली इस बिंदु पर, तीसरी किरण यहाँ से चल करके इस बिंदु पर मिली है, और चौथी किरण जो है वो यहाँ से चल करके इस बिंदु पर मिली हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं, फिगर से समझ रहे हैं, डिफिनेशन मुझे बोर्ड पर लिखने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, यदि डिफिनेशन पूछा जाए कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, व्हाट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, आपको कहना क्या है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं,
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखते हैं यहाँ रे मतलब किरण ए बी सी डी ये सारी किरणें आकर के बिंदु ओ पर मिल रही है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो प्रकाश पुंज है वो कैसा है, तो अभी अभी सारी प्रकाश पुंज है क्योंकि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिली हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट जो है जो कि लास्ट टॉपिक है इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स वो है अपसारी प्रकाश पुंज, जो कि सिक्स्थ टॉप पॉइंट है इस वीडियो के लिए वो है अपसारी प्रकाश पुंज। फ्रेंड्स इसको हम लोग कहेंगे इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स आखिर आपके मन में प्रश्न ये होगा कि आखिर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है, यानी कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। तो फ्रेंड्स जिस तरह से आपने अभिसारी को देखा था उसका जस्ट अपोजिट जो है वो है आपका अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो फ्रेंड्स इसमें यह है कि इस पर जो है एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें मिलती थी अभिसारी में, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक बिंदु से होकर के सभी प्रकाश जो किरणें हैं वो बाहर की ओर जाएंगी, अलग अलग दिशाओं में जाएंगी। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो अपसारी प्रकाश पुंज। इसका डिफिनेशन समझते हैं अपसारी प्रकाश पुंज का, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके अलग अलग दिशाओं में आगे की ओर बढ़ेंगी उनको हम कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वो बिंदु है और यहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, जैसे आप देखिए डायरेक्शन है बी सी डी और ई सारे डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली आप लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं यानी कि नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ इस जो है ये चैप्टर लाइट इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियोज भी आपके लिए लेकर जरूर आऊंगा, तो अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।